नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश भाजपा को 150 से ज्यादा सीटों पर विजयी, कांग्रेस 70 सीटों पर सिमटी। निर्दलीय उम्मीदवार को सिर्फ एक सीट पर मिली जीत। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर मशक्कत। सीएम पद के लिए कई नाम आए सामने। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी दौड़ में शामिल। राजस्थान में भाजपा को मिले बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे। अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत के नाम भी चर्चा में। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। रेड्डी राहुल गांधी की भी पसंद बताए जा रहे हैं। इंदौर की दो नंबर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश मिंदोला की रिकॉर्ड जीत। मिंदोला ने कांग्रेस के चिंटू चौकसे को 1,07,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। रमेश मिंदोला के बाद शिवराज की दूसरी सबसे बड़ी जीत। बुधनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,04,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते। चुनाव के दौरान एक बार भी प्रचार करने बुधनी नहीं गए थे शिवराज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी की हार के बाद कहा, वर्ष 2003 में भी उनके दल को इसी तरह हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही थी। इंदौर जिले की सभी 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी। भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मिंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, महेंद्र हाडिया, मधु वर्मा, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर और मनोज पटेल चुनाव जीते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ताजा विधानसभा चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए कहा, रविवार को कहा कि पहले तो घर घर मोदी था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा का शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि अब मन मन में मोदी हो गया है। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी को अंजनी कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया। कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से अंजनी ने की थी मुलाकात। रेड्डी तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। राजस्थान में नहीं टूटी परंपरा, एक बार फिर राज्य में हुआ सत्ता परिवर्तन। 30 साल से राजस्थान में एक बार भाजपा एवं एक बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह परिणाम दर्शाते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ही समर्थन करेगी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष एवं तारानगर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव हारे। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। राठौर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे शामिल। राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से भाजपा की दिया कुमारी ने 71,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ी जीत है। वसुंधरा राजे भी झालार पाटन सीट से 53,000 से ज्यादा वोटों से जीती। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद अशोक गहलोत का इस्तीफा। गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को सौंपा इस्तीफा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के नेता केटी रामाराव ने कहा, बेशक हम निराश हैं, लेकिन हम दुखी नहीं हैं। हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसने तेलंगाना को बनाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। हम तेलंगाना के लोगों के प्रति अत्यंत आभारी हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न। पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। विरोधी दल के नाते हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि तुष्टिकरण और जाति की राजनीति के दिन खत्म हो गए हैं। नया भारत प्रदर्शन की राजनीति पर वोट करता है। मैं इस अपार समर्थन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को नमन करता हूं। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।